हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों आज अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, दोस्तों सिलेबस में दे रखा है और लोक देवताओं से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर आपने टॉपिक पढ़ भी रखा है तो दोस्तों ये 100 प्रश्न का टेस्ट देना दोस्तों आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आपका पूरा पूरा जो रिविजन है वो भी हो जाएगा। परीक्षा तिथि आप सभी को पता है 1 से 3 दिसंबर है और यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का। इसके अंदर देखिए ये लोक देवता वाला पॉइंट दे रखा है, लोक देवी इसके अंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासे नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर के नाम से अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके क्लासे जरूर देखें और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न है, रामदेव जी के भोपे किस जाति के होते हैं? बताइए रामदेव जी के भोपे किस जाति के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कामड़ जाति के होते हैं। दोस्तों कौन सी जाति के? कामड़ जाति के भोपे होते हैं रामदेव जी के। दोस्तों आपने एक जो कहावत है या एक दोहा है वो तो आपने सुना ही होगा, पाबू हडबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा। दोस्तों राजस्थान में मुख्यतः 5 पीर माने जाते हैं, ठीक है, पाबू जी हडबू जी रामदेव जी मेहा जी और गोगा जी। 5 पीर मतलब पीर किसको कहते हैं कि पीर उसको कहते हैं कि जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पीर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही। सेकेंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते? बताइए मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम है वो नहीं खाते? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूरिया बाबा की। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूरिया बाबा की। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, असंगत युग्म को अपने को यहां पर छांटना है कि कौन सा इसमें असंगत युग्म है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पाबू जी की फड़ का जो वाचन है वो दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए देवनारायण जी की फड़ का जो यंत्र वाचन है, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गोगा जी की फड़ का वाचन है दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिए दोस्तों रामदेव जी की फड़ का वाचन है वो इकतारा वाद्य यंत्र, इकतारा है वो इसमें गलत दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया रामदेव जी की जो फड़ है वो कौन सी जाति के लोग वाचन करते हैं, तो दोस्तों कामड़ जाति के भोपे, ठीक है, और ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो यहाँ पे इकतारा की जगह रावण हत्ता आता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे अपने को असंगत छाटना था यहाँ पर, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, ऊँटों के देवता है, बताइए ऊँटों के देवता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऊंटों के देवता है दोस्तों पाबूजी। कौन है? पाबूजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोड़ुमंड जोधपुर में। पिता का नाम धांदल, माता का नाम कमला देवी और पत्नी का नाम दोस्तों आप फूलम दे बोल सकते हैं या सुप्यार दे भी बोल सकते हैं, ये अमरकोट की राजकुमारी थी, ठीक है। यहां पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की आराधना में माट या माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किस लोक देवता की आराधना में माट या माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाबूजी की में। तो यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। देखिए पाबूजी के 2 सहयोगी थे, ठीक है, उनका नाम था चांदा व डामा, याद रखना दोस्तों ये 2 नाम है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये 2 भील भाई थे और ये पाबूजी के सहयोगी थे दोस्तों, चांदा व डामा। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पाबूजी की आराधना में दोस्तों माट या माटे नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
सिक्स नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है। मैंने अभी आपको एक दोस्तों दोहा बताया था कि पापू हडबो रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए रामदेव जी आ गए, पापू जी आ गए, गोगा जी आ गए, लेकिन तेजा जी नहीं आए दोस्तों। ठीक है, ये पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते। मैंने अभी आपको बताया पीर किसको कहते हैं, पीर उसे कहते हैं जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं, उसे कहते हैं पीर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तेजा जी इसमें दोस्तों शामिल नहीं है। आगे देखिए सात नंबर का प्रश्न है, कायम खा रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन है। बताइए कायम खा रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन है, तो दोस्तों वो वर्णन है गोगा जी का वर्णन है दोस्तों इस पुस्तक में, कायम खा रासो पुस्तक में। दोस्तों इस पुस्तक की जो रचना है ये जान कवि ने की थी, किसने की थी, जान कवि ने इस पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक, कायम खा रासो की। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोगा जी। आगे देखिए पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश के रचयिता है। बताइए पाबू प्रकाश के जो रचयिता हैं वो दोस्तों कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आसिया मोड़ जी। ठीक है, आसिया मोड़ जी, इन्होंने दोस्तों पाबू प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे नौ नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता की बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है। बताइए किस लोक देवता की बांसवाड़ा में सर्वाधिक मान्यता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर कल्ला जी की मान्यता है, वो दोस्तों बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे दस नंबर का प्रश्न है, शेष नाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं। शेष नाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कल्ला जी को। दोस्तों कल्ला जी को शेष नाग का अवतार है वो कहा जाता है या माना जाता है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कल्ला जी। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कल्ला जी को और क्या कहते हैं, चार हाथों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं। यहां पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए देव जी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बताइए देव जी यानी कि देवनारायण जी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन से लोक देवता ने परावर्तन आंदोलन चलाया था। बताइए कौन से लोक देवता ने परावर्तन आंदोलन चलाया था, तो दोस्तों परावर्तन यानी कि शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। तो ये दोस्तों हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए ये परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था, किसने, रामदेव जी ने चलाया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से एक भी प्रश्न है वो परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। शर्त यही है कि आपको ये पूरे के पूरे प्रश्न है वो देखने अत्यंत आवश्यक है, और अगर आप पूरे प्रश्न देखते हैं तो आपका टॉपिक, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो दोस्तों इन प्रश्नों को देखोगे तो आपका टॉपिक है वो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कम से कम दोस्तों आपके काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो सही होने चाहिए इस टॉपिक में से। देखिए यहाँ पे तेरह नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत माना जाता है वो है रामदेव जी का माना जाता है दोस्तों, सबसे लंबा गीत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे किस लोक देवता के पुत्र केसरिया कुंवर भी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। बताइए किस लोक देवता के पुत्र केसरिया कुंवर भी लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोगा जी के जो पुत्र हैं केसरिया कुंवर, वो भी दोस्तों लोक देवता की तरह पूजे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पाबू जी के गुरु का नाम है। दोस्तों पाबू जी के गुरु का नाम क्या है, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पाबू जी के गुरु का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए गुरु का नाम है समरथ भारती। क्या नाम है, समरथ भारती है, ये बाबूजी के गुरु का नाम था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था। बताइए
कौन से लोक देवता ने जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था? तो दोस्तों वो किया था किसने, तो वो किया था तल्लीनाथ जी ने। किसने किया था? तल्लीनाथ जी ने। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तल्लीनाथ जी, ठीक है, मल्लीनाथ जी नहीं, तल्लीनाथ जी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी कोडूमंड जोधपुर में किसका जन्म हुआ था? पापू जी का हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था, तो वो तल्लीनाथ जी ने किया था। दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेखावाटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जमार जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेखावाटी के लोक देवता के रूप में माने जाने वाले जमार जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बीकानेर के शासक रतन सिंह ने दोस्तों इनको शरण दी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है? वीर बिग्गा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है बीकानेर में सर्वाधिक मान्यता है दोस्तों बिग्गा जी की। यहां पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगर जी व जमार जी बठोट पाटोदा के रहने वाले कछवाहा वंशीय राजपूत थे, ये स्थान किस जिले में स्थित है? बताइए, डूंगर जी और जमार जी बठोट पाटोदा या पाटोता के रहने वाले थे, ठीक है, और ये कहाँ पर है ये बठोट पाटोदा? ये प्रसिद्ध भी है दोस्तों, तो ये सीकर जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरा नुमा है? किस लोक देवता के मंदिर की बनावट है मकबरा नुमा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, गोगा जी के मंदिर की जो बनावट है वो मकबरा नुमा है। यहाँ पर चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस मंदिर का जो निर्माण है, यानी कि गोगा मेडी में जो मंदिर है उसका निर्माण है, वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको बनवाया था, वर्तमान स्वरूप, ठीक है। पहले बनवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है? बताइए, रामदेव जी से संबंधित कौन नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए याद रखना, रत्नाराय का, ठीक है, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, ये तीनों दोस्तों रामदेव जी से संबंधित है, लेकिन बज्जू कोतवाल है ये दोस्तों इनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं? बताइए, किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गोगा जी के में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, ये भी आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे और इन्होंने दोस्तों महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, ठीक है, और गजनवी ने ही इन्हें, गोगा जी को दोस्तों जाहिर पीर यानी कि साक्षात देवता कहा था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा, चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें हड़बूजी। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो हड़बूजी है ये रामदेव जी के समकालीन थे और ये रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोसेरे भाई थे दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोक देवता तेजाजी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से किस स्थान पर युद्ध किया था? लोक देवता तेजाजी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से किस स्थान पर युद्ध किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो स्थान था मंडावरिया। याद रखना दोस्तों, कौन सा स्थान था? मंडावरिया था दोस्तों ये, ठीक है। अजमेर के मंडावरिया नामक स्थान पर तेजाजी ने दोस्तों मेर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों को बचाने हेतु युद्ध किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मंडावरिया। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, चांदा डेमा व हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? दोस्तों चांदा डेमा या डामा मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले ही, तो दोस्तों ये सहयोगी थे किसके?
ये सहयोगी थे दोस्तों पाबू जी के, किसके सहयोगी थे, पाबू जी के सहयोगी थे दोस्तों। राइट आंसर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है, हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राव जोधा के समकालीन माना जाता है दोस्तों, ठीक है, राव जोधा के समकालीन माना जाता है हड़बू जी को। राइट आंसर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हड़बू जी ने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने हेतु आशीर्वाद दिया था और एक कटार भी भेंट की थी, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन सही राव जोधा। आगे देखिए उज्ज्वल छत्री व छत्री के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, बताइए उज्ज्वल छत्री या छत्री के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेहाजी को जाना जाता है, ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है, ठीक है, आप सभी को पता है जोधपुर में हुआ था, ठीक है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापणी जोधपुर में है, ठीक है, याद रखना, और कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है, याद रखना, और इनके बोपो के वंश की वृद्धि नहीं होती, ये संतान को गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही मेहाजी। आगे देखिए राजस्थान के किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की, बताइए कुंडा पंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों मल्लीनाथ जी ने, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी ने। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों वीर तेजाजी का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, खड़नाल नागौर में, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, गौतमेश्वर लोक देवता किस नाम से बेहतर जाने जाते हैं, बताइए गौतमेश्वर लोक देवता किस नाम से बेहतर जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भूरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, राइट आंसर इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भूरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए लोक देवता देव जी की फड़ कौन सी जाति के भोपे बांटते हैं, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन है, ठीक है, ये गुजर जाति के लोग करते हैं, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुजर जाति के भोपे करते हैं, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार मैं आप एक चीज और बता देता हूं, देखिए देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती बल्कि ईंटों की पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, और सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है और जंतर वाद्य यंत्र के साथ में ये गाई जाती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, और देवनारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार वो माना जाता है, ठीक है, और इनका जो जन्म है वो आसिंध भीलवाड़ा में हुआ था और बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन से लोक देवता को पीरों का पीर कहा गया है, कौन से लोक देवता को पीरों का पीर कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीरों का पीर कहते हैं रामदेव जी को, यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर। आगे देखिए कौन से लोक देवता ओरण के देवता के नाम से जाने जाते हैं, कौन से लोक देवता ओरण के देवता के नाम से जाने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है तल्लीनाथ जी को, ठीक है, यहां पर चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तल्लीनाथ जी, ठीक है दोस्तों। ये तल्लीनाथ जी है ये शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो था गोगादेव राठौड़, ठीक है, इनके गुरु थे जलंधर नाथ और इनका मुख्य मंदिर है पांचोटा जालोर में, ठीक है, इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है, ओरण मतलब कि मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहां से पेड़ पौधे नहीं काट सकते उसे कहते हैं ओरण, ठीक है, राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बांसी दुगारी कहाँ स्थित है, बताइए बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसी दुगारी है बूंदी में, कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में है बांसी दुगारी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गोगा जी
गुगामेडी नोहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है? बताइए, सीधा सा अपने को यहाँ पे पूछा गया है कि गुगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में जो मेला लगता है, ठीक है, वो कब लगता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मेला लगता है गोगा नवमी को, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा जी का मेला भरता है, भाद्रपद कृष्णा नवमी को राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता की एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा होती है? बताइए, राजस्थान के किस लोक देवता की एक हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, तो यहाँ पे बात हो रही है देव बाबा की, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देव बाबा की। ठीक है दोस्तों, देव बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो है नंगला जहाज भरतपुर में, और देव बाबा है ये पशु चिकित्सक थे, ठीक है याद रखना। और दोस्तों देव बाबा को खुश करने के लिए सात ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों इनके जो मेले का आयोजन है ये वर्ष में दो बार होता है, एक होता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और एक होता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, ये भी आपको याद रखना है। तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बाबा के चरण चिन्ह व सांप की बोम्बी पूजी जाती है? बताइए, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बाबा के चरण चिन्ह व सांप की बोम्बी पूजी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिराम जी, ठीक है, हरिराम जी की पूजा की जाती है दोस्तों ऐसे, ठीक है, इनके चरण चिन्ह और सांप की बोम्बी की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। तो यहाँ पर चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सर्प रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, और सांप की बोम्बी मतलब सांप का बिल की पूजा की जाती है, ठीक है, और इनका मुख्य मंदिर है जोरडा नागौर में, ठीक है, ये भी याद रखना है। चार नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लोक देवता इलोजी की सर्वाधिक मान्यता किस इलाके में है? लोक देवता इलोजी की सर्वाधिक मान्यता किस इलाके में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपने इसमें कौन सा, तो वो है मारवाड़ में। तो यहां पर अपना इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इलोजी, ठीक है, तो यहां पर दो नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता है? दोस्तों बीकानेर में जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? तो वो है बिग्गा जी। कौन है? बिग्गा जी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिग्गा जी। आगे देखिए, तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तेरह ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है, ठीक है, और ये रामदेव जी के मेले का जो मुख्य आकर्षण है वो तेरह ताली नृत्य होता है, ठीक है, और मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी मेला, रामदेवरा मेला, तो यहां पर तीन नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन से लोक देवता कवि भी थे? दोस्तों कौन से लोक देवता कवि भी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रामदेव जी, रामदेव जी दोस्तों कवि भी थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों रामदेव जी की एक पुस्तक है 24 बाणियां, ठीक है, ये भी याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी है वो कवि भी थे, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है, अपने को बताना है कि कौन से लोक देवता की क्या उपाधि है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है वो आप इसको कह सकते हैं। इसमें देखिए पांच प्रश्न है वो अपने कवर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं कल्लाजी राठौड़ को, ठीक है, कल्लाजी को चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, ठीक है। ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऊंटों के देवता कहते हैं बाबूजी को। जाहर पीर की उपाधि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया महमूद गजनवी ने दी थी, उनके साथ में युद्ध किया था गोगा जी ने, और दोस्तों ये उपाधि दी थी जाहर पीर की गोगा जी को, तो यहाँ पर जाहर पीर में इसमें क्या जाएगा, गोगा जी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, काला और बाला के देवता, काला और बाला के देवता की जो उपाधि है वो दोस्तों तेजा जी को दी गई थी, और भूमि रक्षक देवता है ये दोस्तों भूमिया जी को दी गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2-1-5-3-4, 2-1-5-3-4, ये अपना इसमें कूट भाषा में आपको उत्तर करना है, ठीक है, मैंने कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना है 2-1-5-4-3,
सॉरी 5 3 4, ठीक है। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ घोड़े का नाम है, दूसरी तरफ लोक देवता है। अपने को बताना है कि कौन से लोक देवता का घोड़ा कौन सा था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लीलण। दोस्तों लीलण किसके घोड़े का नाम था? तो दोस्तों ये था तेजाजी के घोड़े का नाम था दोस्तों लीलण। केसर कालमी, दोस्तों केसर कालमी किसके घोड़े का नाम था? तो दोस्तों ये नाम था बाबूजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। किरण काबरा, दोस्तों किरण काबरा है ये किसकी घोड़ी का नाम था? तो ये नाम था दोस्तों मेहाजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों किरण काबरा। और लीलागर है ये दोस्तों देव जी की यानी कि देवनारायण जी की घोड़ी का नाम था दोस्तों लीलागर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कौन सा, 2 4 3 1। 2 4 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? बताइए किस लोक देवता ने गायों की रक्षा के लिए दोस्तों प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रामदेव जी ने दोस्तों गायों की रक्षा के लिए कोई युद्ध नहीं किया। बाकी गोगा जी ने किया था, तेजा जी ने किया था, पाबू जी ने किया था। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, अभी बताया था मैंने आपको, आसिंद भीलवाड़ा में है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी थे। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रामदेव जी। आगे देखिए, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? देखिए खड़नाल में इनका जन्म स्थल है, बिल्कुल सही है। पनेर ननियाल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं दोस्तों, पनेर ये अजमेर में है और तेजाजी का ससुराल था दोस्तों पनेर में, ठीक है, ससुराल था पनेर में, ठीक है। और सुरसुरा में इनका निर्वाण स्थल है, बिल्कुल सही है। परबत्सर में इनका मुख्य मेला लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सेंदरिया अजमेर में दोस्तों तेजाजी को सांप ने डसा था, ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? बताइए किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी की। तो यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय यानी कि 1567-68 ईस्वी में दोस्तों कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है वीर कल्लाजी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वीर कल्लाजी। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों लिंक को जरूर शेयर करें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको और भी अन्य महत्वपूर्ण क्लासे हैं वो ऐसे लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। देखिए, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? मैंने अभी आपको बताया गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि दी थी किसने, महमूद गजनवी ने। इनके साथ में इन्होंने युद्ध किया था, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, गोगा जी रसावला के लेखक हैं, गोगा जी रसावला के लेखक हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिट्टू मेहा। बिट्टू मेहा है ये लेखक हैं गोगा जी रसावला के। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है वो अपने को यहां पर बताना है। एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य मंदिर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पाबू जी का मुख्य मंदिर कोड़ूमंड जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है परबत्सर नागौर में है, बिल्कुल सही है। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है ये रामदेवरा में है, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर गागरौन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है, ठीक है, लूणी नदी के किनारे। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी का प्रतीक है दोस्तों ये खेजड़ी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रूणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है?
रूणिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांवड़िया पंथ। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही, कांवड़िया पंथ। नेक्स्ट आगे देखिए, नेजा से क्या आशय है? नेजा किसको कहते हैं दोस्तों? नेजा कहते हैं रामदेव जी के झंडे को, ठीक है, जो पचरंगा झंडा है रामदेव जी का, उसको बोलते हैं दोस्तों नेजा। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी की ध्वजा, ठीक है, यानी कि रामदेव जी की ध्वजा या झंडा आप बोल सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव कौन से लोक देवता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संबंधित है हड़बुजी से संबंधित है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़बुजी का जो मुख्य मंदिर है ये बेंगटी गांव जोधपुर में है, ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था 1721 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे देखिए, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए धुरमेडी या गुरमेडी स्थान है किस लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों गुरमेडी यानी कि धुरमेडी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, धुरमेडी है ये, गुरमेडी नहीं है, धुरमेडी, ठीक है। देखिए गुरमेडी किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी, तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गोगा जी युद्ध करते समय गोगा जी का जो धड़ है वो दोस्तों गोगामेडी में गिरा था, ठीक है, इसलिए धुरमेडी कहते हैं इसे, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, राइट आंसर हो जाएगा जीवित समाधि ली थी दोस्तों रामदेव जी ने, यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और इनसे एक दिन पहले इनकी मुंह बोली बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? अभी बताया था आपको दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर है, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी का। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बाबा रामदेव जी की माता का नाम है, बाबा रामदेव जी की माता का नाम है दोस्तों पेमल दे, सॉरी नहीं मैणा दे, मैणा दे है ये दोस्तों रामदेव जी की माता का नाम है, ठीक है, और नेतल दे है ये इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर मैणा दे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाबूजी की फड़ में बोपो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? तो दोस्तों गोगा जी के जो गीत है वो दोस्तों छावली कहलाते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लोक देवता के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं, बताइए लोक देवता के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं, तो दोस्तों क्या पूजे जाते हैं? तो पगलिए पूजे जाते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, पगलिए पूजे जाते हैं। आगे देखिए, एक तरफ लोक देवता है दूसरी तरफ मुख्य स्थल है, सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि मुख्य मंदिर कहां पर है? हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है ये दोस्तों कहां पर है? तो ये बेंगटी जोधपुर में है। गोगा जी का मुख्य मंदिर गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। मेहा जी का मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर में है। और मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इसमें चारों के चारों दोस्तों पहले से सही सुमेलित हैं। तो अपन कूट भाषा में देखेंगे तो क्या उत्तर होगा? 1 2 3 4, ठीक है, ये अपना सही उत्तर होगा। अब 1 2 3 4 किस में है? 2 नंबर के ऑप्शन में है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डूंगर जी जमार जी का संबंध था, दोस्तों डूंगर जी जमार जी का संबंध किससे था? तो ये शेखावाटी ब्रिगेड से था, राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है, जन्मस्थली कौन सी है? तो वो है दोस्तों ददरेवा चूरू, यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ददरेवा चूरू। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर में, ठीक है,
तो यहाँ पर रामदेवरा में है, रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर में आता है, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो किसके रूप में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ संबंध है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कल्लाजी का जो संबंध है वो भूत प्रेत से संबंधित है, गोगा जी है ये सर्प से संबंधित है, करणी माता चूहा से संबंधित है, और पाबू जी ऊंट से संबंधित है, ठीक है। तो ये मतलब आप समझ गए होंगे कि ऊंटों के देवता है वो पाबू जी हैं, और चूहा किसका स्रोत माना जाता है, करणी माता का स्रोत माना जाता है, गोगा जी को सर्प रक्षक का देवता माना जाता है, और कला जी ये 4 हाथों वाले देवता हैं, ठीक है, इन भूत प्रेत के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 2 3 4 चारों ही सही सुमेलित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भूत प्रेत भगाने के लिए दोस्तों इनके स्थान पर ले जाया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान है, हड़बू जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों वो है बुंदेल या बंडेल नागौर में, ठीक है, बुंदेल नागौर में दोस्तों हड़बू जी का जन्म स्थान है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असुमेलित युग्म कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, असुमेलित युग्म, ठीक है दोस्तों। देखिए, रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा, रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं, जम्मा, ठीक है। रामदेव जी जाने वाले पैदल यात्री है वो जात्रु कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। रामदेव जी की चमत्कारी जीवन गाथाओं का वर्णन है वो पवाड़ा कहलाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पाबू जी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है, पाबू जी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं, और रामदेव जी के दोस्तों पर्चे, रामदेव जी के जो पर्चे हैं यानी कि पर्चा है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कि रुणीता रामदेवरा में दोस्तों पर्चा बावड़ी है, ठीक है, पर्चा में इनके चमत्कार होते हैं, ठीक है। पवाड़ा होते हैं किसके, पाबू जी के, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और इसमें देखिए, रामदेव जी के मेघवाल भक्त है वो रिखिया कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, 3 नंबर का सुमेलित नहीं है, ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए, लोक देवता तेजाजी का डाक टिकट कब और कितने रुपए का जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तेजाजी पर डाक टिकट है वो 5 रुपए का जारी किया गया था 2011 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी पूजे जाते हैं, राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया, तो दोस्तों डाक टिकट जारी किया देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, गोगा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों, गोगा जी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में आयोजित किया जाता है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। और देखिए, जो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर जो डाक टिकट जारी किया गया था ये 2 सितंबर 1992 को किया गया था, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, 1992 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है, बताइए लोक देवता रामदेव जी का वाहन है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाहन है वो है नीला घोड़ा, ठीक है, अपन कहते हैं नीले घोड़े रा असवार, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी, बताइए गायों को छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति किसने दी थी, राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी ने दी थी, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मीणा जाति के लोग किस लोक देवता के मेले में सूकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, मीणा जाति के लोग किस लोक देवता के मेले में सूकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है गोतमेश्वर मेले में, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, गोतमेश्वर मेले में। आगे देखिए, लोक देवता कल्लाजी का जन्म स्थान है, लोक देवता कल्लाजी का जन्म स्थान है तो वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है सामियाना नागौर, सामियाना नागौर ये लोक देवता कल्लाजी का जन्म स्थान है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गायों की रक्षा में अपने प्राणों उत्सर्ग
करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों कौन प्रसिद्ध है यहां पर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, पनराज जी और बिग्गा जी, याद रखना दोस्तों, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है तलवारधारी अश्वारोही व जीभ पर सर्पदंश करती हुई मूर्ति है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जीभ पर किसको डसाता? तेजा जी को डसाता। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, तेजा जी। आगे देखिए, बुरिया बाबा आराध्य देवता है। बुरिया बाबा किसके आराध्य देवता है? तो दोस्तों ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है, ठीक है, और ये इनकी झूठी कसम भी नहीं खाते। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेजा जी की। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही, तेजा जी। आगे देखिए, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता का सही नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बाबा रामदेव। तो राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, तेजा जी का जन्म किस तिथि को हुआ? तेजा जी का जो जन्म है ये हुआ था दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजा जी का जन्म हुआ। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, खड़नाल नागौर में। नेक्स्ट आगे देखिए, तेजा जी का वह लोक देवता जिसने सॉरी राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो वो थे दोस्तों गोगा जी। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस लोक देवता का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाबू राठौड़, यानी कि पाबूजी राठौड़ का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है। आगे देखिए, गोगा मेडी शीर्ष मेडी कहाँ स्थित है? बताइए गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सॉरी देखिए मैं आपको बताऊं कि गोगा जी का जो जन्म है ये दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था, ठीक है, और दोस्तों युद्ध करते समय गोगा जी का सिर गिरा था, इसलिए इसे शीर्ष मेडी कहते हैं, ठीक है। तो शीर्ष मेडी कहते हैं दोस्तों किसे? शीर्ष मेडी कहते हैं दोस्तों ददरेवा चूरू को, ठीक है, ददरेवा चूरू। गोगा मेडी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष मेडी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये ददरेवा चूरू में है। आगे देखिए, किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन फड़ है? बताइए दोस्तों किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन फड़ है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सबसे अधिक प्राचीन फड़ है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्राचीन फड़ है तो वो है देवनारायण जी की फड़। यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूं तो दोस्तों गोगा जी की, देखिए गोगा जी का जो मंदिर ददरेवा चूरू में है, ठीक है, उसको कहते हैं शीर्ष मेडी, ठीक है, जहां पर सिर कटकर गिरा था, ठीक है, उसे बोलते हैं शीर्ष मेडी। कहां पर है? तो ददरेवा चूरू में। और धुर मेडी बोलते हैं, यानी कि धड़ कटकर गिरा था, वो गिरा था गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस लोक देवता की आराधना में साकल नृत्य किया जाता है? बताइए किस लोक देवता की आराधना में साकल नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोगा जी की आराधना में। यहां पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लोक देवता रामदेव जी के संबंध में असुमेलित है? तो दोस्तों असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, पिता का नाम अजमल जी था, बिल्कुल सही है। गुरु भैरवनाथ, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रामदेव जी के गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ नाम था दोस्तों, ठीक है। और भाई का नाम बीरमदेव, पत्नी का नाम नेतल दे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा मेला है तो वो है बाबा रामदेव जी का मेला सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें किससे छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेर के मीणाओं से गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्लेग रक्षक का देवता के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों प्लेग रक्षक के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो कौन प्रसिद्ध है? तो वो है पाबूजी राठौड़। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही व बाएं तरफ झुकी हुई पाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाबूजी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा पाबूजी।
नेक्स्ट आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों देखिए हड़बू जी है, गोगा जी है, मेहा जी है, वीर कल्ला जी नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए देवनारायण जी की माता का नाम है, तो दोस्तों 101 नंबर का प्रश्न है ये, देवनारायण जी का माता का नाम क्या है? तो दोस्तों वो नाम है सेतु खटाणी। क्या नाम है? सेतु खटाणी है ये दोस्तों, राम देवनारायण जी की माता का नाम है ये, आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इनके पिता का नाम सवाई भोज है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।